हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। साइकोलॉजी के क्लास 12th का सैम्पल पेपर जो आया है सीबीएसई की वेबसाइट पे, उसको आज डिस्कस करेंगे हम। वैसे तो इसकी मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको समझना ज़रूरी है, तो इसीलिए इस पेपर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें अकॉर्डिंग टू 3 आवर्स आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, और कुछ इसमें चेंजेस जो हैं वो ये है कि सेक्शंस चेंज हो गए हैं आपके। अब इसमें केस्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड हो गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी। तो जैसे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 14 जो सेक्शन 1 में है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले भी होते थे जो एक एक मार्क के हैं, 1 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 15, 16 जो है सेक्शन 2 में, ये थोड़ा न्यू सेक्शन है। इसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको कुछ केस दिया होगा उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और अगेन वो क्वेश्चंस भी 1 मार्क के ही हैं। देन सेक्शन 3 में क्वेश्चन 17 to 22 हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के। सेक्शन 4 में 23 to 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स। एंड सेक्शन फाइव में भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप है, पर ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 थे सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 में टाइप 2 क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स के हैं। एंड दो लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 6 है, क्वेश्चन 30 और 31 है जिसमें, उसमें आपके 6 मार्कर क्वेश्चंस हैं, और जिसकी वर्ड लिमिट इन्होंने बोला है 200 वर्ड्स है। तो आपका आंसर इसे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके सेक्शंस हैं आपके ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में, जिसके बेस पे आपका बोर्ड का क्वेश्चन भी आएगा। तो हम सेक्शन 1 पे चलते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो सेक्शन 1 का, डैश इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को जब एंगेज करता है किसी एक एक्टिविटी में, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो प्रेफरेंस होती है हमारी, हमें जो पसंद है किसी एक्टिविटी को करना। जैसे अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो उस चीज़ को हम मतलब क्या कहेंगे उस प्रेफरेंस को। तो इसमें आपका आंसर आ जाता है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वही आपकी प्रेफरेंस होती है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है उसी वही आप एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करना पसंद करते हो, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। रिलेटिव टू अदर्स मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में किसको आप प्रेफर करते हो। दूसरा इसी के ऑप्शन में दूसरा ये है, यानी कि आप या तो पार्ट ए करोगे या पार्ट बी करोगे। तो दूसरा ऑप्शन है डैश टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड असेस सच एबिलिटीज एज एबिलिटी टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ आइडियाज। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब नई नई चीज़ें अलग अलग तरीके से सोच पाना और बहुत सारे आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर पाना, तो इसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, जब हम बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ को सोच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नोशन ऑफ सेल्फ एस्टीम इज बेस्ड ऑन बेंडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी, ट्रू फॉल्स। अब बेंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी या जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी हमने पढ़ी थी, आपने क्लास 11th में डिस्कस भी करी थी, वो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट था जो जिसमें वो बेंडुरा बोलते हैं कि ऑब्जर्व करके सीखते हैं, हमारी लर्निंग जो होती है वो दूसरों को देख के होती है, इमिटेशन के थ्रू। तो उसमें वो सेल्फ एस्टीम से ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी की बात कर रहे हैं, तो ये फॉल्स है आपका आंसर। इट इज़ फॉल्स बिकॉज वहाँ पे वो सेल्फ एस्टीम नहीं, सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं। सेल्फ एफिकेसी का क्या मतलब है कि हमारे अंदर कितने अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस है कि हम अगर कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम कर लेंगे, कोई टास्क अगर हमें मिलता है तो हम उसे पूरा कर लेंगे। तो वो होती है सेल्फ एफिकेसी, जो एक पर्टिकुलर टास्क को लेके होती है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज। तो जब हम फिजिकली इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बर्न आउट, BURN बर्न आउट। ये वाला जो डेफिनेशन है ये आपको स्ट्रेस वाले चैप्टर में मिलेगा, जहाँ पे बताया हुआ है कि जब हम स्ट्रेस की वजह से एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बर्न आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए कौन सा वाला ट्रू है, इट्स अफेक्ट्स मेन मोर फ्रीक्वेंटली देन वुमेन, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर,
इट इज कॉज बाय लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन, इट इज मोर प्रेवलेंट अमंग वेल्दी देन पुअर। तो अगर हम पहले से एलिमिनेट करते हुए चले तो ये कह रहे हैं कि मेन में ज्यादा होता है रेदर देन वुमेन, जो कि रॉन्ग है। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मतलब ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में ही होता है, ये भी रॉन्ग है। लास्ट पार्ट भी रॉन्ग है, इट इज मोर प्रेवलेंट अमंग दी वेल्दी, वेल्दी में ज्यादा देखा जाता है। अगर हम लॉजिकली देखें तो सी पार्ट जो है इसका, साइंटिफिकली सी पार्ट इज ट्रू। इट इज कॉज बाय लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको हम हैप्पी केमिकल के नाम से भी जानते हैं, और हमने ये चैप्टर 4 में भी पढ़ा था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कि कुछ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जिसकी वजह से हमें मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एंग्जाइटी होता है जब एक्टिविटी ऑफ गाबा जो है न्यूरो ट्रांसमीटर उसकी कम हो जाती है। ऐसे ही हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि डोपामाइन की ज़्यादा एक्टिविटी होने से स्किजोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं, और उसी में ये भी था कि डिप्रेशन जो है सेरोटोनिन के कम होने से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ क्राउड? क्राउड की सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी है? कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल बाय चांस, फीलिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग मेंबर्स, पॉजिटिव सिनर्जी अमंग्स मेंबर्स। तो इसका आंसर है कलेक्शन ऑफ पीपल बाय चांस। तो क्राउड क्या होता है? भीड़ होती है, कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो बाय चांस होता है, उनका एक पर्पस नहीं होता है कोई, लोग अपने अपने पर्पस से वहां आए होते हैं, लेकिन क्राउड हो जाता है बिकॉज वो एक जगह पे आ जाते हैं बाय चांस। इसी का दूसरा ऑप्शन है, अ डैश इज अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके जो हमारे आइडियाज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रिजुडिस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये एक तरीके के किसी ग्रुप को लेके हमारी बायस थिंकिंग होती है। डिस्क्रिमिनेशन जो हम अपने बिहेवियर में दिखाते हैं, जब प्रिजुडिस होता है हमारे मन में किसी ग्रुप के लिए तो उसको हम, प्रिजुडिस एक तरीके की नेगेटिव टर्म है, उस प्रिजुडिस को हम डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू दिखाते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। स्केप गोटिंग का मतलब ये है कि जब कोई एक मेजर ग्रुप जो है किसी माइनर ग्रुप के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। स्टीरियोटाइपिंग आपका आंसर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग में क्या आ जाता है, स्टीरियोटाइप की वजह से ही प्रिजुडिस होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब है आप किसी ग्रुप के बारे में कुछ चीजें सुनते हो, जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि ये पर्टिकुलर कास्ट वाले लोग जो होते हैं बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो स्टीरियोटाइप है। अब वो चीजें सुन सुन के, उस तरह के आइडियाज जब आप सुनते रहते हो तो वो सुन सुन के आपके मन में प्रिजुडिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो स्टीरियोटाइप जो है वो एक क्लस्टर ऑफ आइडियाज हैं किसी एक ग्रुप को लेके। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु इज अ रिमार्केबल सिंगर एंड हैज वॉन मैनी एकोलेट्स, शी इज नोन एज चाइल्ड प्रोडिजी। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब बिंदुज एबिलिटी? तो बिंदु क्या है? सिंगर है रिमार्केबल, मतलब उसकी एक एबिलिटी है सिंगिंग में, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं टैलेंट। गिफ्टेडनेस हम इसको क्यों नहीं बोल सकते? वैसे तो हम इसको कहेंगे कि भाई बहुत गिफ्टेड है उस चीज में, लेकिन हम गिफ्टेडनेस गलत वर्ड यूज करते हैं। क्यों? गिफ्टेडनेस होता है जब वो हर चीज में ही बहुत सुपीरियर परफॉर्म करती है अलग अलग एरियाज में। तो अगर वेराइटी ऑफ एरियाज में वो अच्छे परफॉर्म कर रही है डिफरेंट एरियाज में तो गिफ्टेडनेस कहेंगे, लेकिन टैलेंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक चीज में होता है। तो यहाँ पे वो सिर्फ स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, सिंगिंग की, तो वो सिर्फ सिंगिंग में बहुत रिमार्केबल परफॉर्म करती है, इसीलिए उसको टैलेंट कहेंगे ना कि गिफ्टेडनेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ 16 PF क्वेश्चनेयर इज यूज्ड फॉर वोकेशनल एक्सप्लोरेशन देन डैश इज अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेराइटीज ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो ये बोल रहे हैं कि 16 PF जो है वो क्वेश्चनेयर है वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, मतलब आपको याद होगा 16 PF जो है वो पर्सनालिटी फैक्ट, मतलब पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है क्वेश्चनेयर। ऐसे ही कह रहे हैं कौन सा वाला है टेस्ट है जो सेल्फ रिपोर्ट है, सेल्फ रिपोर्ट मतलब जब आप अपने बारे में खुद बताते हो, सेल्फ रिपोर्ट मेजर टू आइडेंटिफाई वेराइटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो वेराइटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी को मेजर करने के लिए तो इसमें आपका आएगा MMPI 1 और 2 दोनों ही आ जाएंगे, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो हैथवे एंड मैकिनले ने डेवलप किया था साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए। और इसमें कौन कौन से जो है साइकोपैथोलॉजी के लिए यूज होता है, ये जैसे डिप्रेशन, हिस्टीरिया हो गया या फिर पैरानोया हो गया, जिसका इंडियन वर्जन भी है JMPI, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8,
मीर हैड नो रिकलेक्शन ऑफ बाइसिकल ही रिसीव्ड एज अ गिफ्ट ऑन हिज 10th बर्थडे बट व्हेन नीदा रिमाइंडेड हिम अबाउट द सेम ही वाज एबल टू रिकॉल इट दिस इज बिकॉज मेमोरी ऑफ हिज बर्थडे वर लाइंग इन द डैश लेवल। तो इसमें बोल रहे हैं कि मीर है उसके उसको 10th बर्थडे पे उसके एक बाइसिकल मिली थी जो उसको बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन नीता ने जब उसको रिमाइंड कराया तो उसको याद आने लगा था, वो रिकॉल कर पा रहा था। वो ऐसा क्यों कर पाया रिकॉल और पहले उसको याद क्यों नहीं थी, क्योंकि उसकी वो मेमोरी कहाँ पे है। तो जैसे हमने ये 3 लेवल पढ़े थे फ्रॉयड की पर्सनालिटी थ्योरी में कि हमारे जो ब्रेन के माइंड के 3 लेवल होते हैं, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस लेवल वो वाला है जिसमें हमारे सब कुछ जो अभी हमारे अवेयरनेस में है, जिस चीज़ को लेके हम बिल्कुल अवेयर है अभी अभी, वो हमारे कॉन्शियस लेवल में होता है। प्री कॉन्शियस में वो होता है जो हम एक टाइम पे कभी अवेयर थे लेकिन हम धीरे धीरे उसको, क्योंकि हमने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया तो वो पीछे चला गया अवेयरनेस लेवल की। तो वो मतलब हमारी पुरानी मेमोरीज हो गई जो हम भूल गए हैं। तो ये पर्टिकुलर जो इवेंट ये बोल रहे हैं कि उसको याद नहीं है, तो ये प्री कॉन्शियस लेवल में है उसकी। अनकॉन्शियस मतलब जिसके हम बिल्कुल ही अनअवेयर हैं, हम चाह के भी उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सकते, वो बिल्कुल ही कहीं पे अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में कहीं भी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये पर्टिकुलर मेमोरी जो हम भूल जाते हैं लेकिन कोई याद दिलाए तो याद आ जाती है, वो प्री कॉन्शियस में होती है। इसी का दूसरा ऑप्शन है अनुपम लैक्स पेशेंस एग्जिबिट्स हाई मोटिवेशन फील्स बर्डन विद वर्क एंड ऑलवेज सीम टू बी इन अ हरी ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एज सच पीपल आर प्रोन टू एलिमेंट्स लाइक। अब ये पर्टिकुलर वो पर्सनालिटी की बात कर रहा है, अगर आपको याद हो हमने पर्सनालिटी में टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था। टाइप ए के ट्रेट्स क्या थे और बी के ट्रेट्स क्या थे। टाइप ए के ट्रेट्स यही हैं जो यहाँ पे बिल्कुल लिखे हुए हैं कि मोटिवेटेड होते हैं, बहुत पेशेंस की बहुत कमी होती है, उनको लगता है हमेशा उनके पास कम है टाइम, हमेशा जल्दी में रहते हैं और उनको लगता है कि उनके पास बहुत काम है, उनको ऐसा फील होता है हमेशा कि उनके पास सबसे ज़्यादा काम है, हमेशा जल्दी जल्दी में रहते हैं। ऐसे लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। दूसरा जो था इसके साथ वो टाइप बी पर्सनालिटी थी जो हमने पढ़ी थी। टाइप बी में ये सारे ट्रेट्स नहीं होते, इसके ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल ही टाइप बी पर्सनालिटी वाले। तो और टाइप सी का मैंने आपको याद दिखाया था कि सी से आप कैंसर याद कर लेना, टाइप सी वालों को कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डी वालों को डिप्रेशन। तो ऐसे हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रितु वॉज अनेबल टू डिसाइड अबाउट द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट शी हैड टू सबमिट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन शी देयरफॉर डिड नॉट कंप्लीट द वर्क बिफोर द डेडलाइन वॉज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क एट हैंड एंड सीम टू सफर मेंटल ओवरलोड द अबव साइंस आर एग्जिबिटिंग डैश इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें हमने इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेस के इफेक्ट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला इफेक्ट हमने पढ़ा था इमोशनल होता है जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ा था जिसमें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर तेज हो जाते हैं। फिर कॉग्निटिव इफेक्ट में मेंटल ओवरलोड के बारे में पढ़ा था। तो मेंटल ओवरलोड है तो यहाँ पे आएगा कॉग्निटिव इफेक्ट। ये कॉग्निटिव इफेक्ट होता है स्ट्रेस का जब मेंटल ओवरलोड हो जाता है और हम गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। और चौथा इफेक्ट इसमें बिहेवियरल था जिसमें हम स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा कैफीन या कॉफ़ी चाय ज़्यादा लेनी शुरू कर दें या सिगरेट पीना अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 इफेक्ट्स हमने स्ट्रेस के पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ लिविंग एंड वर्किंग इन अ स्मॉल टाउन इन गुजरात हर्ष वेक्स अप वन मॉर्निंग इंसिस्टिंग दैट हिज नेम इज ध्रुव एंड दैट ही हैज़ टू रिपोर्ट टू हिज जॉब इन मुंबई ही डज नॉट रिकोगनाइज द फर्नीचर इन हिज अपार्टमेंट और द क्लोदिंग हैंगिंग इन हिज क्लोजेट ही इज कम्प्लीटली कन्फ्यूज अबाउट हिज करेंट लाइफ ही मे बी एक्सपीरियंसिंग। तो ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स बता रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। मतलब जब सडनली कोई पर्सन अगले दिन उठता है और वो अपने आप को पहचानता नहीं है और वो अपने आप को किसी और नाम से बोलता है और वो कई बार तो घर से उठ के कहीं चले भी जाते हैं और वो अपने अपना कुछ नया नाम नई आइडेंटिटी टोटली नए तरीके से रहना शुरू कर देते हैं उस जगह पे जब तक उनको याद नहीं आता कि एक्चुअली में वो कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जैसे यहाँ ये बता रहे हैं कि हर्ष एक दिन उठा उसने बोला मेरा नाम ध्रुव है और मैं मुंबई में काम करता हूँ और ना वो अपने घर में रखी चीज़ों को पहचान रहा था ना अपने कपड़ों को पहचान रहा था मतलब अपने करंट लाइफ के बारे में टोटली कंफ्यूज हो गया था जो कि डिसोसिएटिव फ्यूग के सिम्टम्स हैं।
इसी का दूसरा ऑप्शन है, नेहा अ 17-year-old गर्ल हैज बीन बिंजिंग ऑन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड मोर देन व्हाट पीपल मोस्ट पीपल ऑफ हर एज वुड ईट. शी देन एंगेजेस इन पर्जिंग बिहेवियर एज ऑफन एज 3-4 times अ वीक. शी फील्स एज इफ शी हैज नो कंट्रोल ओवर इट. शी इज मोस्ट लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम, तो बहुत ही ईजी है, सारे सिम्टम्स आपको जो दिख रहे हैं बुलीमिया नर्वोसा के हैं. मतलब पहले तो बिंज ईटिंग करना है, खूब सारा खा लेना है, उसके बाद उसको पर्जिंग से किसी तरीके से निकालना है क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है. तो ये बुलीमिया के सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. अ पर्टिकुलर थेरेपिस्ट टीचेस क्लाइंट्स इन अ ग्रुप सेटिंग टू रिकॉग्नाइज बॉडीली प्रोसेसेस एंड इमोशन दैट दे हैव ब्लॉक फ्रॉम देयर अवेयरनेस. द थेरेपिस्ट इज यूजिंग क्लाइंट सेंटर थेरेपी. तो एक थेरेपिस्ट है जो क्लाइंट्स को बोल रहा है कि वो अपने बॉडीली प्रोसेस को और अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दे, मतलब उनके बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो इमोशंस हैं जिनको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उनको उन सोचे उनके बारे में, उनके ऊपर ध्यान दे उन इमोशंस के बारे में. तो क्या ये क्लाइंट सेंटर थेरेपी है या कोई और थेरेपी है? ये बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत ही क्लियरली आपसे आपके नॉलेज चेक करने के लिए होते हैं कि आपको थेरेपीज की नॉलेज है या नहीं है. तो अगर आपको रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर थेरेपी की नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर लिखोगे फॉल्स, क्योंकि रॉजर की क्लाइंट सेंटर थेरेपी में क्या है, उसमें बेसिकली थेरेपिस्ट जो है वो फैसिलिटेट करता है क्लाइंट को अपने आप को समझने के लिए. वो एम्पेथाइज करता है अपने क्लाइंट के साथ, उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देता है, जिससे क्या होता है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है और क्लाइंट बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर फील करता है. और उसी सिक्योरिटी में क्लाइंट अपने आप को समझने की कोशिश करता है. तो ये पर्टिकुलर थेरेपी क्लाइंट सेंटर थेरेपी नहीं है. ये जो थेरेपी की बात कर रहे हैं ये जेस्टॉल्ट थेरेपी है. जिस्टॉल्ट थेरेपी क्या है? जिस्टॉल्ट जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है होल. ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. तो जिस्टॉल्ट थेरेपी जो जिसका गोल ये होता है कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज कर सकें क्लाइंट, उसमें ये बॉडीली प्रोसेस और इमोशंस के बारे में बात करते हैं. तो ये जिस्टॉल्ट थेरेपी है, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स. इसी का दूसरा ऑप्शन है, व्हेन अ बिहेवियरिस्ट प्रेजेस द क्लाइंट फॉर यूजिंग काइंड वर्ड्स ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन एंड इग्नोर्स व्हेन द क्लाइंट इज रूड, ही और शी इज इम्प्लॉइंग पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट. मतलब जब कोई बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट की बात हो रही है, जब कोई बिहेवियरिस्ट मतलब क्लाइंट को काइंड वर्ड्स यूज करने के लिए प्रेज करे, और अगर वो कोई गलत वर्ड यूज करता है या रूड बिहेव करता है तो उसको इग्नोर करे, तो क्या इसको हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बोलेंगे? इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट. डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव बिहेवियर को पॉजिटिवली रिइंफोर्स करते हैं, नेगेटिव बिहेवियर को नेगेटिवली करते हैं, या फिर हम कभी कभी नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर भी कर देते हैं. मतलब दो अलग अलग बिहेवियर के लिए अलग अलग टाइप की रिइंफोर्समेंट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. रितेश सीज हिज पेरेंट्स अचीव फाइनेंशियल सक्सेस थ्रू हार्डवर्क. ही कंसिडर्स हिज मदर टू बी हिज रोल मॉडल. एज अ रिजल्ट रितेश डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टूवर्ड सक्सेस एंड हार्डवर्क. तो रितेश क्या है, अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो किस तरीके से फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर रहे हैं बहुत सारा हार्डवर्क करके, और इसी तरीके से वो उनके जो पेरेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो उसकी मदर है, वो उसकी रोल मॉडल बन गई है. तो वो भी अब सक्सेस की तरफ एक उसका एक स्ट्रांग एटीट्यूड बन गया रितेश का, उनको देख देख के कि वो भी हार्डवर्क करेगा तो सक्सेसफुल होगा. तो ये किस तरह की लर्निंग है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन है. वो देख देख के अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल की तरह सोचता है और उनकी तरह ही करना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 13. ऑन बीइंग असेस्ड फॉर इंटेलिजेंस विवान स्कोर्ड इन एस्पेक्ट सच एज अटेंशन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस अचीवमेंट ओरिएंटेशन. इन सब में विवान के हाई स्कोर आए हैं. अजय स्कोर्ड हाई इन सोशल एंड इमोशनल स्किल्स. और अजय के सोशल और इमोशनल स्किल्स में हाई आए हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट दीज डिफरेंसेज. तो दोनों में क्या फर्क है?
अजय इज हाई इन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, विवान इज नॉट हाई इन इंटीग्रल इंटेलिजेंस, विवान लैक्स टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, अजय लैक्स इंटीग्रल इंटेलिजेंस, विवान इज हाई इन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, अजय इन हाई इंटीग्रल। अब इसका मतलब आपको टेक्नोलॉजिकल और इंटीग्रल इंटेलिजेंस का मतलब पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस वो होती है जो ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी में प्रमोट करी जाती है, जैसे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, परफॉर्मेंस, स्पीड, आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती हैं। तो विवान जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस में हाई आया है। और दूसरी वाली जो बता रहे हैं सोशल इमोशनल स्किल्स, जो इंडिया में ज़्यादा प्रेफर करी जाती हैं, कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, उसको बोलते हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस। तो आपका आंसर डी है कि विवान की टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस हाई है और अजय की इंटीग्रल इंटेलिजेंस हाई है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट मैच फॉर ईच बिहेवियर विद द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो आपको ये मैच करने हैं, कौन सा किसके साथ मैच होता है ये आपने देखना है इसमें। तो ये बहुत ही ईजी है, ये आपके वो उस प्रिंसिपल, वो इड, ईगो और सुपर ईगो वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन बनाया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर पहला रिस्पॉन्स क्या है, ग्रैबिंग द कैंडी एंड ईटिंग इट इमिडिएटली, कहीं पे कैंडी रखी है आपने उसे उठाया और फटाफट खा लिया, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल है, मतलब आपको जो चाहिए आपने अचीव कर लिया, जो इड का होता है। दूसरा क्या कह रहा है, आस्किंग परमिशन टू ईट कैंडी, आप परमिशन लेके खाओगे किसी से क्योंकि वो कैंडी आपकी नहीं है, तो ये आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे जो काम करता है ईगो, यानी कि टू का हो गया सेकंड। और तीसरा है ईटिंग द कैंडी इज एथिकली राइट, आप ये सोच रहे हो कि क्या ये कैंडी खाना एथिकली राइट है या रॉन्ग है, तो ये मॉरल प्रिंसिपल हो गया जो होता है सुपर ईगो का। तो यानी कि आपका फर्स्ट के साथ थर्ड मैच कर रहा है, सेकंड के साथ फर्स्ट और थर्ड के साथ सेकंड, तो ये आपका आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे जो केस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।